हेलो गाइस, आप सभी का एमके हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अस्पताल में मरीज को मिलने जाते समय व्यक्ति को सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, किंतु हमदर्दी जताने वाले लोग उनका पालन नहीं करते और मरीज के लिए ये क्या है, परेशानी निर्माण कर देते हैं। वाहरे हमदर्द, इस पाठ में लेखक ने कभी कभी किस तरह हमदर्दी पीड़ादायी बन जाती है इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। ये एक कुशल हास्य व्यंग्यकार के रूप में पहचान जाते हैं। इन्होंने हास्य व्यंग्य पर गद्य लेखन के साथ साथ कविताओं की भी रचना की है। अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कविताओं की प्रस्तुति करने की कला इन्होंने बहुत अच्छे से हासिल की है। समाज में घटित घटनाओं को हास्य व्यंग्यात्मक रूप से ढंग करने की कला इनमें बहुत अच्छे से पारंगत है। इस पाठ में भी इन्होंने हमें हास्य रूप में वारे हमदर्दे के जरिए हमें कहानी बताई है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह तकलीफ देह बन जाती है इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त सामने आने वाली कार से वे टकरा गए, जिसके कारण उनकी एक टांग टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेखक के साथ हुई दुर्घटना से उनके हमदर्दी जताने वाले लोग आने लगे। इससे लेखक परेशान हुए और एक एक करके अस्पताल आने लगे सभी लोग। उसके कारण लेखक का आराम हराम हो गया। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी कि लेखक कुछ भाषण सुनकर घर की ओर आ रहे थे, तभी उनके सामने से एक कार आई। इनकी साइकिल और कार दोनों की टक्कर आपस में हो गई, इसके कारण लेखक की टांग टूट गई है और वो टकराकर गिर गए हैं। आगे, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी,
मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिसकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी ये सब बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। इस परिच्छेद में हमें लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से कोई अगर मरीज़ अपना घर अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसे मिलने के लिए वो बेताब हो जाते हैं कि पहले कभी भी वो मिलने आए होंगे तो उनका एहसान चुकाना होगा, या फिर उन इसका इंतज़ार करते हैं कि एहसानी का बदला ले, और या उसमें कभी कभी हमदर्दी छिपी होती है। आगे देखेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए अब आँख खोली तो वे बताते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। इस परिच्छेद में देखो, लेखक जानबूझकर किसी से मिलना नहीं चाहते थे और वो आंख बंद किए पड़े थे। उसी समय उनके ऑफिस के बड़ी बाबू आ गए और उन्होंने उन्हें जगाने का प्रयास किया। जगाने वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग कसा है कि सोनाबाई आई है और वो मरीज को बता रही है कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी, तो वहाँ पर लेखक उन्हें व्यंग कसते हुए कहते हैं कि ऐसे बता रही है जैसे मानो चिड़ियाघर में कोई बंदर दिखाया जा रहा है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके दो घंटों बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। कांप जाना यानी भयभीत होना। बाबू के जाने के बाद फिर इनकी सोनाबाई आई और वो अपने चार बच्चों के साथ आई। चारों बच्चे अपनी अपनी बदमाशियां करने लगे और एक ने तो वहां पर दवा की शीशी भी पटक दी। तब वो सोनाबाई कहती है कि दवा का गिरना शुभ होता है, इसलिए वो यहां पर भी लेखक ने व्यंग बताया है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे इस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। इस परिच्छेद में लेखक ने हम बताया गया कि किस तरह से पेशेंट को मिलने के लिए कई लोग आते हैं।
तो एक व्यक्ति आया, तभी आते ही उसने पेशेंट यानी कि लेखक को छाती से मिलकर वो रोने लगा। तब उनकी लेखक की पत्नी को लगा कि उन्हीं का रिश्तेदार है, ऐसा समझकर वो जिस टैक्सी से आया था उस टैक्सी वाले को बाहर जाकर पैसे दे आई। वो फिर कमरे से जब बाहर चला गया और उससे उसने कहा कि मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, और उसके जाने के बाद लेखक को इतना गुस्सा आया, अपनी पत्नी पर गुस्सा आया कि उन्होंने बिना सोचे समझे यानी कि बिना कुछ जानकारी किए उस आदमी के टैक्सी का किराया इन्होंने चुका दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह से जो कवि आए थे, आकर उन्होंने लेखक को कविता सुनाना शुरू कर दिया। तब की कवि जो है, लेखक जो है, उससे कविता सुनने से उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और वो हमेशा उनसे दूर भाग जाते थे। लेकिन आज उस कवि को भी मौका मिल गया था कि एक जगह पड़े हैं, इनकी टांग टूटी है और आज ये मेरी कविताएं सुनेंगे ही। इस तरह से उन्होंने कहकर एक कविता अपने इसी लेखक पर इन्होंने बनाई और वो उन्हें सुना दी। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। यानी कि यहाँ पर लेखक उस कवि से हमेशा छुटकारा पाना चाहते थे और आज ये पलंग पर पड़े हैं तो उन्हें मजबूरन उनकी कविता सुननी पड़ी। फिर भी उन्होंने जल्द चाय बाहर से मंगवाई, पिलाई और उनसे रुख्सत ले ली यानी विदा ली। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने हमदर्दी यानी सहानुभूति जताने वाले लोग कैसे कैसे आ जाते हैं ये एक व्यंग के रूप में हमारे सामने पेश किया है। इस पाठ के मुहावरे और शब्दार्थ अब हम देखेंगे।